थोड़ा सा इसको ढीला कर दिया। दाता के समस्त आशीर्वाद आशीर्वाद दाता को प्रणाम करता हूं। बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं भाई साहब आप, आपको भी प्रणाम करता हूं। ऊपर वाले को पहले प्रणाम करना चाहिए। भाई साहब बता रहे थे मेरे बारे में, लंबी यात्रा करके आया हूं। क्या लंबी यात्रा कर रहा हूं साहब मैं, जितनी लंबी यात्रा मेरा देश कर रहा है उससे लंबी मैं नहीं कर रहा हूं। सरपंच साहब, कभी सुजलाम हो गया, कभी सुबलाम हो गया था, कभी मन यद शीतलाम हो गया, अरे भ्रष्टाचार के कारण मेरा देश भी मेरे ही तरह विकलांग हो गया। क्या बात, अरे दिनेश भाई कमाल कमाल, मेरा देश भी यात्रा ही कर रहा है मेरे दोस्तों। क्या यात्रा कर रहा हूं मैं, वो अतुल भाई ना वो मिलगो डांडो नहीं तो ही माला को चेक करता हूं समझ रहे हो कहने माने ऊपर आर गड़ा में कहीं बरास के आग लगा। अरिस भैया बात ये नहीं है, बात ये है कि वो गले में अगर मेरे माला पहना देते तो आजकल क्या धारा 377 का खतरा है, लोग टेंशन में आ जाते हैं। अच्छा माला पहनने के बाद ये सुजलाम सुपलाम मलिया जी विकलांग बाबा की तरह लगता है, और बाबाओं की स्थिति तो आपको मालूम है, बाबाओं की बाढ़ आ गई मेरे देश में। 15 अगस्त तो 26 जनवरी को गाना भी बजे तो ऐसा सुनाई दे, आदरणीय भाई साहब जितेंद्र भैया गाना ऐसा सुनाई दे, धरती सुनहरी। साउंड बढ़िया है आपका, हाय हाय जोरदार तालियां भाई, साउंड वाले भैयाओं के साउंड बढ़िया है वाकई, थोड़ा सा इको बड़ा था हल्का सा, कमाल का साउंड है। बस बस बाबाओं की स्थिति देखिए मेरे देश में, धरती सुनहरी अंबर नीला हर बाबा रंगीला, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, हम तो समझे सच्चा है वो निकला झूठा डेरा। आहा क्या बात है, बहुत खूब सच्चा डेरा सौदा, राम रहीम, एक तरफ राम को घुसेड़ लिया, एक तरफ रहीम को घुसेड़ लिया, बताओ किधर जाए, ना इधर जाए ना इधर जाए, बताओ फिर किधर जाए। अब वो राम रहीम गुरप्रीत सिंह जी को पकड़ के तिहाड़ जेल में ले गए, भाई साहब तिहाड़ जेल में ले गए, तो आसाराम जी ने उनका वेलकम किया, उनका स्वागत किया, और स्वागत करने के बाद आसाराम जी ने कहा राम रहीम गुरप्रीत सिंह जी से, बता मेरे यार गुरप्रीत रे। अरे उन्होंने कहा वेलकम किया, बता मेरे यार गुरप्रीत रे भाई घना दिन में पकड़ायो, राधा स्वामी स्टूडिया में बेगर हनीप्रीत के तो हाल बता दे, सब गुफा के राज बता दे, पड़ी क्यों मार गुरप्रीत रे भाई घना पकड़ायो। वो चल ही रहा था इनका आपस में तो रामपाल जी आ गए, ये अपने हिसार वाले, वो आकर कहने लगे, दोनों जब मिले तो वो भी पहुंच गए इनके पास और जाकर कहने लगे उनसे, कब के पिछड़े हुए हम आज कहां आके मिले, जैसे गुंडे थे कोई गुंडा मुस्कुरा के मिले।
तीनों चारों बातें कर रहे थे तो अब्दुल करीम टुंडा आ गया, वो भी आ गया, वो भी बापू से कहने लगा, टुंडा भी देखो आया। कमाल, बापू तेरे आंगन में। कमाल है, कमाल। टुंडा भी देखो आया, बापू तेरे आंगन में, फुलझड़ी ने तुझे फंसाया, मुझे फंसाया तुमने। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, यह है गीता का ज्ञान। बहुत खूब। लेकिन क्या बताएं हम आपको, प्रणाम करता हूं। मेरी स्थिति ऐसी है, सुजलाम सुपलाम मलयज रतलाम के पास में मेरा शहर है साजापुर, वहां से आया हूं। लेकिन लोग मुझे देखकर मानते नहीं कि मैं कवि हूं, क्योंकि अपना चेची सपोर्ट नहीं करता। दूसरा नाम ढंग ढंग का नहीं, दिने देसी घी। बहुत सारे कवि मित्र मुझसे सरपंच साहब कहते रहते कि तुम नाम बदल लो, कोई ढंग का नाम रख लो, दिनेश दिवाकर दिनेश भास्कर कोई ढंग का नाम रख लो। यहाँ तक कि मेरी पत्नी भी मुझसे कहती रहती है कि तुम अपना नाम बदल लो, तुम अपना नाम बदल लो। एक दिन तो गुस्से में आकर मैंने पत्नी से कहा कि नाम में क्या रखा है, काम में दम होना चाहिए। योगेंद्र भाई साहब अच्छी बात है, नाम में क्या रखा है, काम में दम होना चाहिए। दर्द सीने में हो तो आंखें नम होना चाहिए। और बेशक बेशक पाक और चीन से बातें करें हम मोदी जी, लेकिन दूसरे हाथ में परमाणु बम होना चाहिए, वाह बम होना चाहिए। भाई वाह 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 दिनेश भाई, कमाल। कमाल क्या रखा है नाम में, बहुत सारे का नाम शेर सिंह लेकिन बकरे से डरे, बहुत सारे बहादुर सिंह घर का पानी भरे। सरपंच साहब मैं पढ़ाता हूँ प्राथमिक विद्यालय कल्याणपुरा में, जब मैं बोलूं इसका इक्को कम कर दिया, और जब मैं गाऊं तब इसको बढ़ा दिया, पर इक्को साउंड बढ़िया है आपका, साउंड का खेल होता है। मैं पढ़ाता हूँ प्राथमिक विद्यालय कल्याणपुरा में हरीश भैया, 2007 में मेरी पोस्टिंग हुई। मैं स्कूल के अंदर गया, एक लड़के से नाम पूछ लिया, मन के क्या नाम है तेरो, तो रंगो। बाप को नाम जो चंगो, उसका बाप को नाम जो भीख मंगो। मैंने क्या कहीं पूरा खानदान नंगो है, साला चड्ढा पहन के स्कूल आता है, तेरे बाप को बुला के लाके, साहब मेरा बाप नहीं आ सकता। अरे मन की क्यों नहीं आ सकता, साहब नहीं आ सकता। अरे मन की क्यों नहीं आ सकता, साहब इसलिए नहीं आ सकता कि उनका चड्ढा पहन के तब अपन स्कूल आ गया। पट्टों की एक चड्डे से सेटी। मन की चल छोड़, तेरे घर में चला जाता हूँ, तेरे बाप को मैं बुला लाता हूँ, ये बता तेरा घर कहाँ है, साहब नीम के सामने। नीम कहाँ है, मेरे घर के सामने। अबे तेरा घर कहाँ है, नीम के सामने। नीम कहाँ है, मेरे घर के सामने। मन के दोनों कहाँ है, तो जो आमने सामने। कमाल है। अरे मन के छोड़ो यार, इनके लत्ते कपड़े से क्या लेना देना, सरकार ने पढ़ाने लिखाने के लिए रखा। मैंने भूगोल निकाला, सारी नदियों का पाठ पढ़ा डाला, फिर एक लड़के को खड़ा करके पूछा, मन की क्या नाम है तेरा, रामलाल। मन की रामलाल बेटे ये बता, गंगा कहाँ से निकलती, किससे मिलती है। तो रामलाल कहने लगे, बाप की कसम मार साहब, मारा पिताजी ने कि स्कूल से घर जानो, घर से स्कूल आनो, कोई कोई से मिले अपने क्या लेना देना। ये बच्चे आज दूसरे लड़के से पूछी, मना कर दिया। तीसरा तपाक से खड़ा हो, मारसा मारे मालूम, जिसको मालूम होता वो खड़ा हो जाता है, मारसा मारे मालूम। मन की ऐसे लड़के देश का नाम रोशन करेंगे। चल बेटे बता, गंगा कहाँ से निकलती, किससे मिलती है। तो लड़का कहने लगा, मारसा 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 मारसा, गंगा रात की 12 बजे अपने घर से निकलती है और शर्मा जी के छोरे से मिलती है। ये परिस्थितियां हो जाती है। साउंड बहुत बढ़िया है आपका, ये साउंड का खेल होता है साहब। नजरें जो बदली तो नजारे बदल गए। मेरी माता बहनें यहां पर बैठी हैं, हमारे यहां पंडित जी कथा करने के लिए आ गए। उन्होंने कथा प्रारंभ की कि देवियों यत नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारियों का वास होता है वहां देवता निवास करते हैं, इसलिए कन्या का जन्म होना बड़े सौभाग्य की बात है। जिसके यहाँ एक कन्या जन्म ले लेती है, भगवान स्वर्ग का एक दरवाजा खोल देता है। जिसके यहाँ दो कन्या जन्म ले लेती है, भगवान स्वर्ग के दो दरवाजे खोल देता है। और जिनके यहाँ तीन कन्या जन्म ले लेती है, भगवान स्वर्ग के तीन दरवाजे खोल देता है।
तो एक महिला खड़ी है, क्यों रे महाराज इस स्वर्ग का दरवाजा कितना है? पंडित जी कहने लगे कि देवी स्वर्ग के सात दरवाजे हैं और जिनके यहाँ सात कन्या जन्म ले लेती है भगवान स्वर्ग के सात दरवाजे खोल देता है। तो महिला कहने लगी क्यों रे महाराज माना करे नौ कन्या, हाँ दो दरवाजा कौन तेरो बाप खोलेगा। तर्क करने लगते हैं साहब धर्म में हम, और धर्म में कभी तर्क नहीं करना चाहिए। रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि समृत को नहीं दोष घुसाई, जो चीजें समृत होती है उसमें दोष नहीं निकालना चाहिए। साउंड बढ़िया आपका, इसमें भी दोष नहीं निकालना चाहिए। नहीं साउंड देश का बढ़िया है, इनका भी बढ़िया है। वो हमारे एक पंडित जी कथा करने के लिए आ गए सदन साहब, साउंड वाले भाई साहब ने मना कर दिया, माइक को हाथ मत लगाना करंट मारता है। अब उनकी आदत पड़ गई माइक पकड़ के कथा करने की, अब कंट्रोल करे तो करे कैसे। उन्होंने कथा प्रारंभ की, सज्जन राजा मेरे से छुपते अपने से कहने लगे कि हे राजन नहीं ना छुपते तो सस्ता नहीं ने ना हाथ पावा को उठ जाती करंट मार दिया। साउंड बढ़िया वाह वाह साउंड का खेल होता नहीं है कमाल। हरिओम जी ये साउंड का खेल है, देश का साउंड बढ़िया है, परिवेश बढ़िया है, हाँ और इस बिगड़े हुए साउंड अच्छे साउंड में हम जब कभी सम्मेलन कर रहे हैं, देश का साउंड बढ़िया है, तब जाकर कोई बेवकूफ कह देता है कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। आपको तो मालूम सरपंच साहब वो बकरुद्दीन मवेशी, यही नाम है उसका, मवेशी क्या नाम था उसका, ओवेसी, हाँ मेरे को मवेशी सुनाया। वो कहता कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, कोई गर्दन पे मेरी छुरी रख दे मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। मैंने कहा मत बोल, तेरे एक के भारत माता की जय ना बोलने से मेरे हिंदुस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता। सुबह से लेकर शाम तक 125 करोड़ भारतीय इस माटी को चूमते हैं और भारत माता की जय बोलते हैं। वाह क्या होती है माँ, मेरी माता बहने यहाँ पर बैठी है, मैं प्रणाम करता हूँ आपकी उपस्थिति को। क्या होती है माँ रिजविया जी, माँ महात्मा और परमात्मा, माँ महात्मा और परमात्मा इन तीनों की महिमा न्यारी है, पर इन तीनों पर माँ सब पे भारी है। आदरणीय भाई साहब बिना माँ के तो परमात्मा भी नहीं बनता, बिना माँ के तो महात्मा भी नहीं बनता। अगर महात्मा से माँ हटा लो क्या बचेगा, परमात्मा से माँ हटा लो क्या बचेगा। और माँ एक ऐसी अपने आप में स्वर है जो अपने आप में माँ बनी हुई है, इसको किसी व्यंजन की आवश्यकता नहीं। वाह 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 कमाल। और वो बेवकूफ कहता मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। क्या होती है माँ, माँ ममता है, पिता प्यार है, माँ बाप के चरणों में ही जब सारा संसार है तो फिर क्यों भूल गए मेरे दोस्त जिस माँ ने तुझे बड़ा किया, पैरों पर अपने खड़ा किया, उंगली पकड़ तुझे चलना सिखाया, कठिन नगर पर तुझे संभलना सिखाया, और तू आज रिश्तों की सारी हदें तोड़ाया, तेरी एक सिस्की पर रात भर जगी तेरे पगले, तू उसी माँ को आज वृद्धाश्रम में छोड़ाया, उसी माँ को तू आज वृद्धाश्रम में छोड़ाया। कैसे लोग हो गए साहब, हम मंदिर में जाते हैं घंटी बजाते हैं, तेरा तुझको हरी बन क्या लागे मेरा, ऐसे लोग हो गए। अरे भैया ये स्थिति है, वास्तविकता है। भाई साहब देसी घी का मतलब नहीं, वो गाय फिर रही है रोड पे और बाबा जी बोल रहे गाय का देसी घी, मेरे को समझ में नहीं आया पतंजलि में इतना देसी घी कहां से आया। मंदिर में जाते हैं घंटी बजाते हैं, हम कथा भागवत में जाते हैं और कथा में बोलते हैं गौ माता की, गौ माता की, जोर से बोल दो गौ माता की जय हो, और वही गौ माता खेत में आ जाए तो गौ माता की जय, और खेत में आ जाए तो छोरा डंडा की दे। जिसकी जय बोलते हैं उसी को हम डंडा मारते हैं साहब, कैसे लोग हो गए हम। चाय आ गई, चाय लाने जी बेटा, तो चाय पिलाया कर, चाय बनाने वाले के भविष्य बहुत अच्छे हैं। ये बढ़िया, चाय बनाने वाला देश का प्रधानमंत्री बनता है। लोग कहते हैं साउंड बढ़िया आपका। यार शर्माओ मत, वास्तव में साउंड बढ़िया है आपका, वो शर्माने लगे। सरपंच साहब पूरा खेल साउंड का होता है, अगर साउंड अच्छा हो देश का, साउंड अच्छा हो मंच का, तो कार्यक्रम अच्छा होता है। हाँ पुराने जमाने में आपने देखा होगा
टेप रिकॉर्डर सारी चीजें चलती थी, उसमें कहीं वोल्टेज ज्यादा कम हो जाता, वो टेप रील वाली कैसेट चलती थी ना, उसमें कहीं वोल्टेज ज्यादा कम हो जाता तो गाना बिगड़ जाता। गणेश उत्सव नवरात्रि में हमारे गांव में छोरे इतने जोर से माइक बजाते कि दो चार बुजुर्ग डोकरे निपट जाते। लगाई छोरों ने कैसेट, बाद साहब की तबियत खराब, पड़ोस में बैठे ये से मूर्ति लगा दी, माइक लगा दिए और जो गाना बजता जो गाना बिगड़ता। मूर्ति गणेश की अंदर दौलत देश की, लोगो देखो ध्यान से, पूछो भाई कौन से चक्कर की है। साउंड बढ़िया है आपका, कमाल दिनेश भाई कमाल। हाँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ अभी है? ये साउंड का खेल है, सबकी ओर से बड़ा है। दादी माँ हंसो मत, हमारे यहाँ दादी माँ डोगरी माँ निपड़ गई है, बुरी डोगरी। छोरों ने कैसेट लगा दी और जो कैसेट उलझी, मैया जिनको याद करे वो लोग निराले होते हैं, मैया जिनको नाम पुकारे। चलो बुलावा आया है महाकंज में। दादी माँ निपट गए अभी, ये सच्ची घटना है। काका जी आपके जमाने में वो ग्रामोफोन चलता था, उसमें एक चूड़ी लगती थी, उसमें चूड़ियां लगती थी, वो घूमती थी और कहीं चूड़ी अटक जाती तो गाना वहीं को आ जाता था। साजन मेरा उसे पार है, साजन मेरा, साजन मेरा, साजन मेरा, साजन सुबह तक उस पार नहीं जाता, वहीं अटका पड़ा रहता। मैं सही कह रहा हूँ? भागवत जी, जी दादा वो उनके जमाने में वो छोरों ने सरपंच साहब हमारे यहाँ कैसेट लगा दी पंकज उदास की गणेश उत्सव में, और ऐसी जगह अटके दौड़ के माइक बंद करना पड़ा, कैसेट चल रही। डोली में जब बैठी बहना रसता देख रहे थे नैना, मैं तो बाप हूं मेरा क्या है, तेरी माँ का। सारे लोग ताली बजाने तो चुड़ी ये अटक रहे। सही कह रहा हूँ, अटके थे चुड़ी वहां पर। चूड़ी अटकी थी कसम से, दौड़ के माइक बंद करना पड़ा, वो शाम सुबह तक करता रहता। साउंड बढ़िया है आपका, साउंड का तो खेल है।